अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी विल स्टार्ट ओवर लेक्चर नंबर 7। इसके लिए आप ओपन करके पेज नंबर 150 देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 150 है। टुडे ओवर टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैसेज। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैसेज जो होते हैं उनकी एडिशन कैसे की जाती है। मैथ्स के लिए हम यूनिट करते हैं केजीज एंड ग्राम्स का। तो जिस तरह से हमने एडिशन के क्वेश्चंस किए थे मैथ्स के लिए, इसी तरह सब्ट्रैक्शन के भी इसीलिए आप सॉल्व कर सकते हैं। देखें, एज इन एडिशन इन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैथ्स एज वेल वी सब्ट्रैक्ट केजी फ्रॉम केजी एंड ग्राम्स फॉर ग्राम्स। जिस तरह प्लस के क्वेश्चंस में हमने केजीज में से केजीज को माइनस किया था और ग्राम्स में से ग्राम्स को माइनस किया था, इसी तरह अब ये वाले क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे आपको पता लग जाएगा कि इनकी सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। जैसे ये देखें, बताया हुआ है एक बास्केट है, उसमें एप्पल रखे हुए हैं और उनका वेट बताया हुआ है, मास बताया हुआ है 18 kgs एंड 250 grams। आगे क्या बताया हुआ है, नाउ इन द 6 kg एंड 200 grams गिवन टू दी राफे, जिसमें से कुछ उन्होंने जो ये देखे 6 kgs एंड 200 grams गिवन टू राफे, कुछ एप्पल्स जो हैं उन्होंने राफे को दे दिए हैं, तो बाकी जो एप्पल्स का मास है वो कितना रह गया, 12 kgs एंड 50 grams। अब दोनों वैल्यूज़ का हम डिफरेंस निकालेंगे, डैट मीन्स कि हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बाकी अमाउंट आ जाएगी। जैसे देखें, केजीज का कॉलम बना लिया है और ग्राम्स का कॉलम बना लिया है। केजीज के नीचे हमने सारी केजीज की वैल्यूज़ लिखी हैं एंड ग्राम्स के नीचे ग्राम्स वाली वैल्यूज़ लिखी हैं। अब देखें, ग्राम्स वाली वैल्यूज़ में 250 में से 200 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, 50 आंसर आया, यानी 50 grams, एंड केजीज़ के लिए 18 माइनस 6 किया तो 12 केजीज़ आ गया। ठीक है, अब हम मूविंग टूवर्ड्स अवर क्वेश्चंस। यहाँ पे देखें, सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि 64 केजीज में से हमने माइनस करना है 23 केजीज को। आइए करते हैं, 4 माइनस 3 इज़ 1 एंड 6 माइनस 2 इज 4। आंसर हमारा क्या आ गया, 41 kgs। आगे हम एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं जिसमें केजीज एंड ग्राम्स को इकट्ठे सब्ट्रैक्ट किया गया। ये देखें, ग्राम्स वाला कॉलम है और ये केजीज वाला कॉलम है। सबसे पहले हम ग्राम्स वाले कॉलम को सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस 6 इज 1, 2 माइनस 7 ये पॉसिबल नहीं है आपका। इसको मैंने क्या मेथड बताया हुआ कि इस केस में हम बोरो कर लेते हैं, तो 2 के लिए यहाँ 8 में से 1 बोरो करेंगे, ये 12 बन जाएगा और रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह जाएगा, 7। 12 माइनस 7 इज 5, नाउ ये 7 रह गया था, 7 माइनस 1 इज 6, 651 grams आ गए। अब केजीज वाले कॉलम को सॉल्व करते हैं, 8 माइनस 1 इज 7, सेवन, और यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 4 दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इसके लिए अगेन बोरो करेंगे, 7 में से 1 यहाँ जाएगा, ये 11 बन जाएगा और रिमेनिंग 6 रह जाएगा। 11 माइनस 4 इज 7, यहाँ पे 6 रह गया था, 6 माइनस 2 इज 4, 477 kgs इज आंसर। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखें आप। यहाँ भी ग्राम्स का कॉलम्स है और केजीज का कॉलम्स है, अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें, 321 माइनस 255 grams, देखें 1 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, 1 बोरो करेंगे, 2 से 1 यहाँ जाएगा, ये 11 बन जाएगा, रिमेनिंग इज 1, 11 माइनस 5 इज 6, यहाँ पे 1 रह गया था, 1 माइनस 5 अगेन नॉट पॉसिबल, यहाँ से 1 बोरो करेंगे, अगेन 11 बन जाएगा, 11 माइनस 5 इज 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, रह गया 2 रह गया था सॉरी, तो 2 माइनस 2 इज 0, 66 grams हमारे पास आ गए। आगे ये नेक्स्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे केजीज के लिए,
थ्री माइनस फाइव नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर में से एक बोरो करेंगे, थर्टीन माइनस फाइव इज सेवन, एट एट आएगा सॉरी, और यहाँ पे क्या रह गया था, एक बोरो उधर चला गया था तो दिया था थ्री रह गया, थ्री माइनस वन इज टू, 28 केजीस हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स आपने इस पेज पे देख लें, अच्छी तरह देख लें, जिस क्वेश्चन को मैं मार्क कर रही हूँ ना वो क्वेश्चन आपका गलत है, वो क्वेश्चन आपने बुक में सॉल्व नहीं करना, इसको ऐसे स्किप कर देना है, बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये मैंने मार्क किया है, ये क्वेश्चन आपने नहीं करना, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इसी तरह बुक पे। स्टूडेंट्स पेज 150 हमने डन कर लिया है, उसके साथ हम टेबल ऑफ सिक्स एंड सेवन की रेंडमली प्रैक्टिस करेंगे, आपने मेरे साथ साथ रिपीट करना है और मुझे रिप्लाई भी करना है। फर्स्ट वन इज फोर टाइम्स सिक्स इज 24, फाइव टाइम सेवन इज 35, and the next one is 6 times 6 is shabash 36. Repeat after me. 8 times 7 is very good 56. Next one is 6 times 7 is 42, and the last one is 9 times 6 is 54. Very good. The students have the table of 6 and 7 की randomly practice की है, अब आपने इनको complete one by one learn भी करना है। Till the next video, Allah Hafiz.